नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मैं मोहम्मद शाकिर, चेयरमैन आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से 9 अगस्त यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पे हम लोगों ने एक तहरीक, एक इनकलाब दिया है, वो तहरीक के रोज़गार दो। चूँकि आज पूरे भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गारी के कगार पर हैं, और साथ ही साथ आज इस कोविड-19 की महामारी में लगभग 12 करोड़ से अधिक लोग नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। आज आपने गौर किया होगा कि पिछले 6 साल 2014 से लेकर अब तक 6 साल का अरसा बीत रहा है, और ऐसे में ये केंद्र सरकार पूरे तरीके से फेल है। यह सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन अफसोस, सद हज़ारों अफसोस कि नौकरी के नाम पर यहाँ पूरे भारत के नौजवानों के साथ बर्बरियत हो रही है। इसलिए हम लोग स्थापना दिवस के मौके पे हम लोग एक एहतजाज करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर इस तरह से केंद्र सरकार की रवैया रहा तो हम लोग हर जगह, चाहे कस्बा हो, जिला हो, राज्य हो, हर बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल पर हम लोग आवाम के बीच जाएंगे, और ये अड़ियल जो हुकूमत है, ये केंद्र की जो गलत पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी के खिलाफ हम लोग अपनी कांग्रेस पार्टी और आम लोगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इसलिए दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है और ये सरकार सो रही है, इसलिए हम लोगों को जगाना है। अगर ये आम नौजवान का मसला हल नहीं हुआ, हमारे भारत के रहने वाले गरीब प्रवासी मजदूर, साथ ही साथ जिन लोगों ने ख्वाब देखा था, एक सुनहरा सपना देखा था कि शायद ये केंद्र सरकार से हम लोगों को 2 वक्त का काम मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने इस स्थापना दिवस के मौके पे इनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करें। कहते हैं कि अब हमें निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, अब हमें निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, जिंदा रहने के लिए कुछ तो किया जाएगा, और अब तलक जो भी हुआ खैर कोई बात नहीं, अब तलक जो भी हुआ खैर कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें बताएंगे कैसे जिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। बताएं सर, आज आप लोग स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर किन पहुंचे हैं? आज 9 अगस्त है, जो महात्मा गांधी 1942 में इंग्रेज सरकार को उखाड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसी का समर्थन है। आज रेलवे मेंस पैरेड है, पूरा इंडियन रेलवे में 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम, इसे विरोध में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रेल का निजीकरण। आज केंद्रीय सरकार जो रेलवे का हर विभाग को निजी कंपनी के हाथ में देने का जो प्रक्रिया शुरू कर दिए, उसको विरोध हम, आप सोचिए ये रेलवे का जो कार्यक्रम है, रेलवे का जो इंजीनियरिंग है, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया नहीं जाता, रेलवे में ही होता है। हमारा 1853 जो रेलवे शुरू हुआ, मतलब 165 साल का ऊपर का जो अनुभव है उसको कुचल के वो निजी हाथ में देना चाहते हैं। तो आप सोचिए, जो बाहर का आदमी है, इतना साल का एक्सपीरियंस आदमी को हटा के बाहर का आदमी को दे रहा है, ये अन्याय है। वो कह उन्हों को भी समझाएंगे इस तरह से हमारा ये प्रजातांत्रिक ढांचा ख़त्म किया जा रहा है, जो वर्तमान सरकार है, जो लोगों के द्वारा चुन के आई है, जो प्रजातांत्रिक संगठन का दुहाई देती है, वो इस ढांचा को बनाए रखने के लिए रेलवे का निजीकरण, व्यवसायीकरण, PPP मॉडल, FDI मॉडल, वो सब समाप्त करें, और जिस तरह से रेलवे सरकारी स्वामित्व के अधीन चल रही है, इस तरह से इसको विकास करने के लिए कर्मचारी और बेहतर परिणाम दें, हमारा रेलवे का जो पाठ पुर्जा है वो और बेहतर परिणाम दें।
उसकी ओर हम लोग अग्रसर करेंगे, उसका ध्यान दिया जाए और सरकार उस तरफ ध्यान दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो पूरे अभी तो हम उपभोक्ता में जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जिसको आउटसोर्स कर रहे हैं, जो निजी क्षेत्र में ढकेल रहे हैं, फिर उसके कर्मचारियों को लेंगे और धीरे धीरे पूरे भारत के लोग इस आंदोलन में जमा हो जाएंगे। फिर वही रूप ले लेगा 1974 का रूप, नतीजा हुआ तो 1977 में कि सरकार को उखाड़ के फेंक देना पड़ा। अपना परिचय दो। हम यहाँ के प्रमोद कुमार मिश्रा, केंद्रीय संगठन सचिव PCR। जो दलाल हैं वो रेलवे को छोड़, रेलवे का जो सरकारी ढांचा है उसमें जो ग्रहण लगाने का काम करने वाले जो हैं वो आते रेल को छोड़। और मित्रों, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा अगर पीछे चलते 2014 में एक नेशनल पिटीशन का रूप किया था, कसम है इस मिट्टी की मैं देश नहीं छूने। फिर उसके बाद 2015, 2016, 2017, 2018 हर एक वर्ष भारतीय ढांचे को भेजा गया इस इन्वेस्टमेंट के नाम पर और नाम रहता था भारत इंडिया, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे वो मिश्रण हो, चाहे वो भारतीय कोर हो, चाहे वो भारतीय रेल हो। मित्रों, ये ढांचा, ये जो सरकारी ढांचा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक ढांचा, उस ढांचा को तोड़, उस ढांचा को खत्म किया गया और इसके बीच में एक मात्र अभिप्राय है कि सत्ता में जो पार्टी है, सत्ता में चलाने वाली जो सरकार की जो पार्टी है, वो प्राइवेट में अपना एक ATM चलाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखो, रेलवे एक सरकारी स्वामित्व वाली तीसरी क्षेत्र की संगठन जो केवल सर्विस मिलती है, प्राइमरी सेकेंडरी जो उसको ढांचा देता है और टर्सरी जो ढांचा को लोगों में बेचता है और जो ढांचा है, इसका प्रजातांत्रिक ढांचा आते नहीं पौधा।